हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूं, ट्राइडेंट शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। पिछले एक महीने में काफी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक दे चुका है और पिछले 3 महीने में देखे तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स का पैसा डबल हो चुका है स्टॉक में। करीबन 6 महीने पहले यही सेम रैली हमने टीटीएमएल में देखा था। टीटीएमएल भी काफी अच्छे से अपने इन्वेस्टर्स को कह सकते हैं रिटर्न दिया था, स्टार्टिंग फ्रॉम 12.52 लेवल्स टिल स्ट्रेट अवे इट वेंट टिल 54 लेवल्स, और 54 से नीचे रिट्रैक्ट होके आज करीबन कह सकते हैं 34 पे कंसोलिडेट हुआ और फिर से आज करीबन 52 के लेवल्स पे टीटीएमएल आ चुका है। सेम वे हम ट्राइडेंट में देख रहे हैं, ट्राइडेंट का रैली जो रैली की जो स्पेसिफिक शुरुआत हुई थी वो हुई थी करीबन 23 रुपए के आसपास और आज ये स्टॉक 41.25 का अपर सर्किट लगा था और क्लोजिंग हुआ है कुछ 38 के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखें तो ट्राइडेंट का पिछले 4 महीने का प्रोडक्शन भी काफी अच्छा है और साथ ही में ट्राइडेंट के फ्यूचर इंप्लीकेशंस काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, एक्जैक्टली कौन से लेवल से जहां पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर ऐसे कौन से लेवल्स है जहां पे आपको फुल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, और जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है अभी भी कौन से लेवल्स पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपनी के फंडामेंटल्स क्या बन रहे हैं, टेक्निकल्स क्या बन रहे हैं, पिछले एक महीने में क्या लेटेस्ट न्यूज जनरेट हुआ इस कंपनी में, वो सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड पर्सन हूं सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एसआईपी मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स से काफी सारे हमारे कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। वीडियो की शुरुआत में वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दिस वीडियो विल सी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ ट्राइडेंट लिमिटेड, वी विल सी द रिटर्न्स परसेंटेज ऑफ द स्टॉक, वी विल सी द म्यूचुअल फंड डेटा फॉर द सेप्टेंबर मंथ, वी विल सी द लेवल्स एंड एसएमए लेवल्स, प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखेंगे, साथ ही में चार्ट पैटर्न भी देखेंगे स्टॉक का। क्यूएनए सेशन का आप सभी को रिमाइंडर देना चाहूंगा वीडियो की शुरुआत में। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे 45 मिनट्स का ड्यूरेशन एवरी संडे को हम कंडक्ट करते हैं दोपहर को 3 बजे। इस संडे भी 17 अक्टूबर को दोपहर को 3 बजे फिर से हम यूट्यूब लाइव में जुड़ेंगे, जहाँ पे ओवरऑल 45 मिनट्स का सेशन रहता है जिसमें जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करके रख दीजिए, जितनी जल्दी हो सके कमेंट्स पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं एडवाइजरी स्कीम के बारे में सभी को आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे 2 तरीके के मॉडल्स है, 30 डेज, 90 डेज, दोनों ही मॉडल्स में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, साथ ही में एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, कैश इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो जितना हो सके अपने कह सकते हैं यहाँ पे पोजीशंस के ट्रेडिंग लिमिट के हिसाब से क्रिएट कीजिए ताकि आपको अगर पोजिशन होल्ड करनी पड़े तो आप होल्ड कर पाए। अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो कह सकते हैं एंट्री एग्जिट लेवल्स पे ध्यान दीजिए एक्यूरेटली, क्योंकि एंट्री एग्जिट लेवल जितना एक्यूरेट रखेंगे उतना ही कंसिस्टेंट आपका रिजल्ट होगा। साथ ही में अग्रेसिव प्लेयर है, 5 से 6 लॉट में एक ही कॉल पे काम कर रहे हैं तो टारगेट्स के पहले थोड़ा एग्जिट कीजिए, पोजीशंस को लाइटन रखिए, पोजीशंस स्टक ना हो आपकी। और अगर आप डिफेंसिव प्लेयर है, 1 या 2 लॉट में पर कॉल काम कर रहे हैं तो अपने टारगेट्स के हिसाब से एग्जिट कीजिए। तो ओवरऑल अगर देखिए तो इस 2 से 3 चीजों का ध्यान रखिए, स्कीम में अलॉटमेंट लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बनाइए। तो ट्राइडेंट के लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो ट्राइडेंट स्टॉक हिट्स 5% अपर सर्किट एड ऑफ Q2 अर्निंग्स टू कंसीडर फर्स्ट इंटरम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ओवरऑल देखें तो क्वार्टर टू के एस्टिमेट्स यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं जिसके चलते यहाँ पे क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आएगा वो काफी अच्छा होने वाला है, और क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आने वाला है वो अक्टूबर 21 को, सेम डे को जेएसडब्ल्यू स्टील का भी रिजल्ट आने वाला है, सेम डे को ट्राइडेंट का भी रिजल्ट होगा। तो ट्राइडेंट के पिछले 4 महीने का प्रोडक्शन डेटा देखे तो पिछले महीने से अगर हम एग्जाम्पल लेके सेप्टेम्बर मंथ की बात करें तो अगस्त मंथ से सेप्टेम्बर मंथ का प्रोडक्शन डेटा अच्छा है, अगस्त मंथ की बात करें तो अगस्त मंथ का जो डेटा है वो जुलाई मंथ से अच्छा है, जुलाई मंथ की बात करें तो जून महीने से अच्छा है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पिछले 4 महीने का प्रोडक्शन पिछले महीने से काफी अच्छा ग्रो हुआ है। साथ ही में कंपनी ने रिसेंटली अपने एम्प्लॉयज को करीबन 21.5 लाख इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में पीएलआई स्कीम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे, तो वो भी अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, ट्राइडेंट, आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वेल्सपन इंडिया जैसे स्टॉक्स को सपोर्ट कर रही है, वेल्सपन गुजरात जैसे स्टॉक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस समय जो मेजर मूवमेंट आ रहा है वो ट्राइडेंट स्टॉक में ही आ रहा है जिसके चलते इन्वेस्टर्स का फोकस ज्यादा करके टेक्सटाइल पर स्टॉक में किसी को इन्वेस्ट करना है तो इस समय ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्रीज दोनों स्टॉक्स पे फोकस रख रहे हैं। तो ये था सबसे पहला न्यूज अक्टूबर 21 को यहाँ पे क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। साथ ही में ट्राइडेंट हिट्स 5% अपर सर्किट आफ्टर सेप्टेम्बर मंथ अपडेट ऑन प्रोडक्शन।
The company produces 5202 metric tons of bath linen, 3.4 million meters of bed linen and 10,907 metric tons of yarn. So, ये सब number अगर हम August month से compare करें तो काफी अच्छा production यहाँ पे grow हुआ in the month of September. तो ये production data भी एक positive point है. साथ ही में Trident hits 52 week high after receiving ratings on bank facilities from Crisil. तो bank facilities भी यहाँ पे कह सकते grow हुआ है, जिसके चलते Crisil ने जो है बैंक फैसिलिटीज को अपग्रेड किया है ट्राइडेंट कंपनी का, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर काम कर गया है. और ट्राइडेंट बोर्ड अलॉट्स ओवर 21.5 लाख इक्विटी शेयर्स अंडर ईएसओपी, स्टॉक गेन्स 2%. तो जैसे मैंने अभी दो मिनट पहले कहा कि करीबन ट्राइडेंट ने 21.5 लाख इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे अलॉट किए, जिसके चलते यहाँ पे ट्राइडेंट में एक अच्छा खासा ट्रिगर हुआ था. पिछले पांच दिनों का चार्ट पैटर्न देखे तो पांच दिन में बॉटम था 35 रुपए का, आज हाईएस्ट पॉइंट है 41.25. एवरी डे अपर सर्किट का ट्रेंड था, बीच बीच में सर्किट खुलता था लेकिन क्लोजिंग हमेशा अपर सर्किट पे हुआ है. आज पहला दिन है जब ये स्टॉक है वो सर्किट पे क्लोज नहीं हुआ है. ओपनिंग में सर्किट लगा था 41.25 का लेकिन क्लोजिंग हुआ 38 के आसपास. पिछले एक महीने का बॉटम देख ले तो 23 रुपए का था, जहां से ये रैली की शुरुआत हुई थी. और रैली की शुरुआत आप स्टेप पैटर्न में देख रहे हैं, सेम पैटर्न हमने टीटीएमएल के चार्ट में भी देखा था. और तीन महीने का अगर बॉटम देखे तो 16.60 रुपए का था और टॉप मोस्ट पॉइंट है 41.25 जो आज का था. प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखे तो 9 करोड़ का आज के दिन पे करीबन दोपहर को 1 बजे तक टोटल वॉल्यूम हो चुका था. और जिसमें से अगर हम देखें तो अगर एक महीने का एवरेज हम देखें तो 1.4 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 2 करोड़ की डिलीवरी क्वांटिटी देखी जा चुकी है. शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 73%, एफआईएस के पास 1.6 और अगर डीआईएस के पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो 22.49%. तो अच्छा खासा होल्डिंग है यहाँ पे. ट्राइडेंट का कल का क्लोजिंग 41 के आसपास था, आज का क्लोजिंग है 38 के आसपास. म्यूचुअल फंड डेटा सितंबर मंथ का देखे तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया, 3 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है और डिफरेंस करीबन आया 36,323 शेयर्स का. तो करीबन 36,000 शेयर्स का यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड कंपनीज इन द मंथ ऑफ सितंबर. चार्ट पैटर्न देख लेते तो यहाँ पे रिटर्न्स परसेंटेज देखते हैं. सबसे पहले तो एक हफ्ते में रिटर्न्स परसेंटेज है 20% का रिटर्न, एक महीने में 61% का रिटर्न. तो ओवरऑल अगर देखें तो एक महीने में इसने ये स्टॉक ने 61% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 128%, 6 महीने में 197%, 1 साल में 406% का रिटर्न, 3 साल में 605%, 5 साल से किसी ने स्टॉक को होल्ड किया तो 648% का रिटर्न है और 10 साल से किसी ने स्टॉक को होल्ड किया तो उसके पोर्टफोलियो में इस समय स्टॉक का रिटर्न होगा 3,417% रिटर्न. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ही ऐसा एक कह सकते हैं रेयर कोई स्टॉक होगा जिसने इतना अच्छा रिटर्न हर एक ड्यूरेशन में दिया है. लेवल्स अगर हम देखें तो आरएसआई इस समय 86.5 है, एमएफआई 65.5. तो जिसके चलते अगर हम देखें तो आज थोड़ा बहुत आरएसआई क्योंकि ओवरबॉट हो चुका था, हमने रिट्रैक्शन होते हुए देखा है स्टॉक में और आज का क्लोजिंग सर्किट पे नहीं हुआ है. लेकिन ओवरऑल अगर काफी भी अभी कह सकते हैं ऊपर का स्टीम बाकी है. और अगर आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो पहला लेवल आपका प्रॉफिट बुकिंग का होना चाहिए 53 के आसपास. और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस स्टॉक को होल्ड कीजिए अराउंड 80 रुपीज के आसपास. क्वार्टर टू के बाद शायद ये स्टॉक आपको 53-54 के आसपास ये स्टॉक जाते हुए आराम से दिखेगा. एसएमए लेवल्स अगर देखें तो 27 रुपया है 30 डेज में, 50 डेज में 24.6. इस समय एसएमए लेवल से काफी ये स्टॉक ऊपर आ चुका है. तो ओवरऑल अगर देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो ट्राइडेंट इस समय बेहतरीन ऑप्शन है. आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है. अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेनिंग लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए. एग्जैक्टली आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा. थैंक यू.